सब्सक्राइब करें टेकमाइंड बट चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और रीसेलर ऐप लेकर आया हूँ जिसका नाम है ग्लोरोड। ग्लोरोड एक ऐसा रीसेलिंग प्रोग्राम है जिससे आप बिना पैसा इन्वेस्ट करे ग्लोरोड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करके पैसे कमा सकते हैं। कोई भी पर्सन जब आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा तो आप अपने सेलर अकाउंट से उसको ऑर्डर करेंगे, या कोई भी पर्सन आपकी ऑनलाइन शॉप पर जाकर ऑर्डर करता है तो ग्लोरोड उस प्रोडक्ट को पैक करेगा और सीधे आपके कस्टमर के घर पर डिलीवर करेगा, वो भी आपके नाम से। मतलब उस पर ग्लोरोड की अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं होगी। इसके अलावा आप इसमें रेफरल से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों को ग्लोरोड का रेफरल लिंक शेयर करेंगे और आपके दोस्त आपके रेफरल लिंक से ग्लोरोड पर अकाउंट बनाकर कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा। कोई भी ग्लोरोड के साथ काम कर सकता है, तो आप ग्लोरोड के साथ आज से ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ग्लोरोड पर एक सेलर अकाउंट बनाकर प्रोडक्ट आपको कैसे सेल करने हैं, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेकमाइंड वर्ल्ड। सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्लोरोड ऐप को इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहां सर्च बार में टाइप करेंगे ग्लोरोड। ग्लोरोड टाइप करते ही यहां ऐप आ चुकी है, इस पर क्लिक करेंगे। इस ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 1,48,000 लोगों ने 4.5 की रेटिंग दी है और 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा कमाने का एक जेन्युइन तरीका है, यानी कि ये ट्रस्टेड ऐप है। अब यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर वेरीफाई हो जाएगा। यदि ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता है तो मैन्युअली डाल देंगे। अब यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद डन कर देंगे। साइन अप करते ही इसमें हमें 21 रुपये का वॉलेट बैलेंस मिल गया है। ये इसका होम पेज है। अब सबसे पहले आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, जिसके लिए आप यहाँ माई शॉप पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ सभी ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर आपका वॉलेट बैलेंस होता है। अभी हमें 200 रुपये रेफरल के और लेने हैं, जिसके लिए इनवाइट फ्रेंड्स एंड अर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका रेफरल कोड मिल जाएगा। रेफरल कोड डालने के लिए आप यहाँ गॉट अ रेफरल कोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप रेफरल कोड डालेंगे। अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप उसे डाल सकते हैं, वरना आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं। रेफरल कोड डालकर सबमिट कर देंगे। ये देखिए हमें 200 रुपये मिल गए हैं, जिसका यूज हम कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते समय कर सकते हैं। अब यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। आप यहां क्लिक करके अपना रेफरल लिंक व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और यहां क्लिक करके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। आपके रेफरल से जितने लोग भी ग्लोरोड पर अकाउंट बनाकर एक साल में जितने प्रोडक्ट सेल करेंगे उन पर आपको 5% का कमीशन मिलेगा। यहां माई बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ अकाउंट डिटेल डालेंगे। अकाउंट डिटेल बहुत ही ध्यान से डालनी है, क्योंकि ग्लोरोड से आप जितना भी पैसा कमाएंगे वो आपके इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, यहाँ IFSC कोड डालेंगे। सभी डिटेल्स डालने के बाद सेव कर देंगे। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन शॉप का नाम शो होता है। अगर आप अपनी शॉप का नाम एडिट या चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप शॉप का फोटो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ शॉप का नाम डालेंगे, चलिए हम यहाँ डाल देते हैं सैनी कलेक्शंस। यहाँ पर आप शॉप के बारे में लिख सकते हैं किस टाइप की शॉप है। यहाँ सिटी का नाम डालेंगे और इसके बाद सेव कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर शॉप का नाम चेंज हो गया है। यहाँ क्लिक करके आप शॉप देख सकते हैं। अभी हमारी शॉप बिल्कुल खाली है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है। आप इसमें प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। यहाँ क्लिक करके आप अपनी शॉप को फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपकी शॉप के ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी शॉप ओपन हो जाएगी और आपने शॉप में जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड कर रखे होंगे वो सब वहां पर शो होंगे। और यहां क्लिक करके शॉप का लिंक कॉपी कर सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं।
आप जितने प्रोडक्ट शेयर और कॉपी करेंगे वो सब यहाँ माई शेयर्ड और कॉपीड प्रोडक्ट्स में शो होंगे। आप जितने भी ऑर्डर बुक करेंगे वो सब यहाँ माई ऑर्डर्स में शो होंगे। इस पर क्लिक करके आप ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं। ग्लोरोड से आपकी जितनी भी अर्निंग होगी उसकी डिटेल आप यहाँ माई अर्निंग्स में देख सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके भी अपनी शॉप को फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको शॉप में प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट शेयर करना और ऑर्डर बुक करना बताऊंगा। वापस ग्लोरोड के होम पेज पर आ जाएंगे। अब या तो आप यहाँ प्रोडक्ट का नाम डालकर या फोटो अपलोड करके प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे यहाँ कलेक्शन और प्रोडक्ट्स के ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें जाकर भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है मेंस वॉच, यहाँ 184 रुपए इसका प्राइस दिया है। अब यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, नीचे इसकी डिटेल दी गई है। इस पर कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं देना है, यानी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। अगर आप प्रोडक्ट को अपनी ऑनलाइन शॉप में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ कॉपी टू माई शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपसे आपका मार्जिन ऐड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10% का मार्जिन पहले से सेट रहता है। अगर आप मार्जिन को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना मार्जिन चूज करके नेक्स्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट आपके शॉप में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट हमारी शॉप में ऐड हो चुका है और अब इसका प्राइस हमारा 10% मार्जिन ऐड होने के बाद 224 रुपए हो गया है। ऐसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी ऑनलाइन शॉप में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हैं और आप यहाँ पिन कोड डालकर चेक कर सकते हैं कि उस एड्रेस पर डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं। उसका स्टेटस इसके नीचे दिखा देगा। प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ फिर से गो टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ऑर्डर समरी आ जाएगी। अब आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपसे एड्रेस डालने के लिए कहा जाएगा। अगर आप अपने लिए ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे और अगर किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर बुक कर रहे हैं तो यहाँ कस्टमर का डिलीवरी एड्रेस डालेंगे। यहाँ पिन कोड डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर पूरा नाम डालेंगे, यहाँ फ्लैट नंबर, हाउस नंबर या बिल्डिंग का नाम डालेंगे, यहाँ गली मोहल्ले का नाम डालेंगे, यहाँ कोई एक लैंडमार्क डाल देंगे, यहाँ सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ स्टेट का नाम डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और डिलीवरी के समय भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम कैश ऑन डिलीवरी चूज कर लेते हैं। अब कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहां क्लिक करके अपना मार्जिन ऐड करेंगे और टोटल अमाउंट डाल देंगे, यानी कस्टमर के साथ आपकी जितने रुपए में डील हुई होगी यहां उतने रुपए डाल देंगे। जैसे कि हम यहां 300 रुपए डाल देते हैं, रुपए डालकर ओके कर देंगे। अब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाने पर कस्टमर से 300 रुपए कलेक्ट किए जाएंगे और आपका जो मार्जिन होगा रिटर्न पॉलिसी बीत जाने के बाद ग्लोरोड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब इसे कंटिन्यू कर देंगे। ग्लोरोड में आपको ऑर्डर बुक करने पर और कोई भी प्रोडक्ट शेयर करने पर भी वॉलेट बैलेंस मिलता है। ये देखिए ऑर्डर बुक हो चुका है। ऑर्डर बुक होते ही मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है। अगर आप बाद में कभी भी ऑर्डर डिटेल या स्टेटस देखना चाहेंगे तब आप माई शॉप पर क्लिक करेंगे। यहाँ माई ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो सभी ऑर्डर शो हो जाएंगे। अब ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल शो हो जाएगी, जैसे कस्टमर का नाम, एड्रेस और ऑर्डर समरी। अगर किसी कारण से कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल करवाना चाहता है तो आप यहाँ कैंसिल दिस ऑर्डर पर क्लिक करके ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आप व्हाट्सएप पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट कैसे शेयर करेंगे। जैसे कि हम इस प्रोडक्ट को व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ शेयर एंड अर्न पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप जिस फ्रेंड और ग्रुप में प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं यहाँ से उनको सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट की फोटो सेंड हो गई है। अब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सेंड करेंगे, फोन के बैक बटन पर क्लिक करेंगे। बैक बटन पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा आप बिना लिंक के डिटेल शेयर करना चाहते हैं या प्रोडक्ट का लिंक भी शेयर करना चाहते हैं। अगर आप केवल डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर डिटेल विदाउट लिंक पर क्लिक करेंगे, और डिटेल के साथ साथ लिंक भी शेयर करना चाहते हैं तो आप यहां शेयर डिटेल विद लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपसे आपका मार्जिन ऐड करने के लिए बोला जाएगा। मार्जिन ऐड करने के लिए आप यहां एडिट प्राइस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहां 300 रुपए डाल देते हैं, रुपए डालकर ओके कर देंगे और शेयर ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। अब यहां से उसी ग्रुप और फ्रेंड्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें फोटो सेंड किया है। इसके बाद सेंड कर देंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल सेंड हो जाएगी। तो यहां प्रोडक्ट की फोटो, डिटेल और लिंक सेंड हो गया है। जब भी कोई पर्सन इस लिंक पर क्लिक करेगा
तो वो आपकी ऑनलाइन शॉप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी शॉप ओपन हो गई है और यहाँ कहीं भी ग्लो रोड का नाम नहीं है, यानी कस्टमर को सिर्फ आपकी शॉप का नाम दिखाई देगा और आपने जो प्राइस प्रोडक्ट शेयर करते समय सेट किया होगा उसे वही प्राइस दिखाई देगा। प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेगा, इसके बाद प्लेस ऑर्डर करेगा, इसके बाद वो अपना डिलीवरी एड्रेस डालकर डिलीवर टू दिस एड्रेस पर क्लिक करेगा, इसके बाद पेमेंट मेथड चूज करके ऑर्डर बुक कर देगा। अपने ऑनलाइन स्टोर और प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप फेसबुक पर कुछ बड़े शॉपिंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें और उन ग्रुप्स में प्रोडक्ट्स को शेयर करें। फेसबुक ग्रुप में प्रोडक्ट शेयर करने के लिए पहले आपको यहाँ क्लिक करके डिटेल कॉपी करनी होगी, इसके बाद आप यहाँ शेयर टू अर्न पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही सभी शेयरिंग ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ फेसबुक ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही प्रोडक्ट की इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको अपने फेसबुक अकाउंट में जाना है, यहाँ मेनू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ योर ग्रुप्स पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपने जो ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अब किसी भी ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद ग्रुप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ फोटो पर क्लिक करेंगे। फोटो पर क्लिक करते ही गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से कैटलॉग फोटो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ आप प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ सेलिंग प्राइस डाल देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप और भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम सभी ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पब्लिश करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करते ही प्रोडक्ट ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आप और आपके कस्टमर जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उन सब की डिटेल आप माई ऑर्डर्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब आप ग्लोरोड का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।